झांसी रविंद्र कुमार ने मौरानी पुरा कर प्राथमिक पाठशाला चुरारा द्वितीय को गोद लिया और बच्चों से प्रश्न पूछे। विद्यालय की व्यवस्था देख कर वह गदगद हुए। डीएम द्वारा पूछे गए प्रश्न पर चुरारा विद्यालय के छात्र धर्मेंद्र का कहना था वह बड़ा होकर डीएम बनना चाहता है। उपजिलाधिकारी अंकुश श्रीवास्तव ने मौरानीपुर नगर का बेसिक प्राइमरी पाठशाला गढ़ू रियागंज को गोद लेने की घोषणा की। जो स्कूल सर गोद लिए गए हैं सर, कौन कौन से स्कूल रहे हैं सर जो आपके द्वारा सर गोद लिए गए हैं? हमारे द्वारा हमारे यहाँ पे मऊ में कस्बे में हमारा प्राथमिक विद्यालय का रियागंज है, उसको हमारे द्वारा यहाँ पे गोद लिया गया है। इसके साथ साथ में कल जिलाधिकारी महोदय का अभी आगमन हुआ था, उनके द्वारा जो हमारा प्राथमिक विद्यालय चुरारा द्वितीय है उसको वहाँ पे गोद लिया गया है। तो इन विद्यालयों में जितने भी बच्चे वहाँ पे पढ़ रहे थे उनके उनको जो पाठ्य पुस्तक है, स्केच पेन है, बाकी खेल की अन्य सामग्रियाँ हैं उनका कल वितरण किया गया जिलाधिकारी महोदय द्वारा। और उसके साथ साथ में ये भी चीज़ें बताई गई हैं कि वहाँ पर जो भी विकास की जितनी भी चीज़ें हैं उसको और अच्छे से किया जाएगा। और इसी तरीके से हमारा अन्य जो भी अधिकारी यहाँ पे हमारे तहसील में है उनसे भी हमारा यहाँ पे अनुरोध है कि वो कई सारे जो हमारे प्राथमिक विद्यालय हैं उनको वोट लेके ताकि वहाँ पे जो भी शिक्षा की हमारी चीज़ें हैं उसको और अच्छे बेहतर ढंग से किया जा सके और विद्यालय का जो विकास है वो और अच्छे तरीके से हो सके। सर सबसे पहले सर ऐसा कौन सा काम है विद्यालय में जो कमी रही हो सर उसको पूरा किया जाए? अभी हमारे द्वारा ये पूरा का पूरा प्रयास चल रहा है कि जितने भी हमारे बच्चे हैं उनको जो नई हमारे जो शिक्षक हैं उनके द्वारा जो नई मजदूरी पद्धति है उसमें वो कराया जाए। इसके साथ साथ में जो हमारे विद्यालय में खाली जमीन पड़ी हुई है उसमें जो पौष्टिक हमारी जो पौधशाला है उसको लगाया जाए ताकि बच्चों को वहाँ पे ही जो पौष्टिक चीज़ें हैं जैसे टमाटर है, पालक है और भी जो भी पौष्टिक चीज़ें हैं वहाँ पे उनको उपलब्ध कराई जा सके। इसके साथ साथ में जो भी समय समय पे चीज़ें वहाँ पे बच्चों की जो जरूरतें वहाँ पे विद्यालय की उसको पूरा कराना जो है हम लोग अपना जिम्मा